नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने OBS में जो है सो कैसे NDI प्लगइन्स जो है सो इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे NDI आउटपुट सेटिंग है, तो इसलिए आप कैसे जो है सो NDI प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका बहुत सारा यूजेस है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा एक इसका इंपॉर्टेंट यूज़ क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो NDI प्लगइन्स इंस्टॉल करने का मतलब बहुत सारा मतलब तरीका है। वैसे आपका सबसे ईजिएस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल कोई भी कोई भी ब्राउज़र खोल लें और उसमें आप टाइप करें OBS टाइप हो गया। उसके बाद टाइप करना है आपको स्पेस एस स्टूडियो टाइप हो गया, उसके बाद एंटर मारेंगे। उसके बाद OBS का फर्स्ट लिंक ही मिलेगा आपको, openobsproject.com। अगर नहीं मिला तो आप चेक कीजिएगा, उसके नीचे में obsproject.com लिखा होना चाहिए, नहीं तो आप सीधे इस URL पे चले जाइएगा, ये भी एक तरीका हो सकता है। और नेक्स्ट में आपका इस तरीके का कुछ खुलेगा, आपका OBS का वेबसाइट। आपको सबसे राइट कॉर्नर पर सबसे ऊपर में जाना है और जहाँ पर फॉर्म लिखा है उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का खुलेगा, आपको उसके बाद जाना है सीधे रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का खुलेगा और फर्स्ट में ही आप देखिएगा OBS NDI प्लगइन्स यहाँ पे राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे OBS NDI न्यूटेक NDI इन इंटीग्रेशन इनटू OBS स्टूडियो है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का खुलेगा, ये बोल रहा है सपोर्टेड वर्जन 32 और 64 दोनों है। उसके बाद ये बोल रहा है ये विंडोज़ मैक OS और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। और उसके बाद अगर आपको डाउनलोड करना है किसी चीज़ के लिए भी तो आपको जाना है नीचे, उसमें लेटेस्ट अपडेट्स में सबसे पहला जो होगा उस लिंक पे, जैसे कि यहाँ पे मेरे केस में OBS NDI 4.6.0 है। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो हो सकता है और रिलीज आ गया होगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना। एक बात का ध्यान रखें, आपका OBS अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए OBS का। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा OBS का, तो कई बार मैंने जब OBS का पुराना वर्जन था तो मैंने जो है सो उसमें ट्राई मारा, मतलब OBS का NDI का जो लेटेस्ट प्लगइन है उसको इंस्टॉल करके, लेकिन नहीं काम किया। इसका कारण था कि मेरा लेटेस्ट वर्जन नहीं था, तो आपको लेटेस्ट वर्जन होना। उसके बाद मैंने बहुत पता है मैं Ubuntu रन कर रहा हूँ, तो Ubuntu में थोड़ा दिक्कत हुआ मुझे इंस्टॉल करने में OBS लेटेस्ट वर्जन, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है सो बार बार काम नहीं कर रहा, एरर बता रहा था। फिर भी मैंने कैसे करके फिगर आउट कर लिया क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया OBS का लेटेस्ट, उसके बाद NDI प्लगइन्स उसमें आ गया। जबकि मैंने तो आपको आगे का स्टेप बताते हैं। उसके बाद आपको इस पेज में OBS NDI 4.6.0 आएगा, उसके बाद उसमें नीचे लिखा हुआ है विंडोज़ लिनक्स एंड मैक OS इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन सीधा रिलीज पेज ऑन GitHub, इस पर क्लिक कीजिएगा। हाँ जानते हैं प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। हम डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिंक देंगे तो वो लिंक पुराना हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा उसका। तो इसलिए मैं आपको लिंक नहीं दे रहा, आपको सीधे बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। एक बात और याद रखें, अगर मतलब उसके जो मेन पेज जहाँ पे आपने, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रॉब्लम क्या आ सकता है आपको, जैसे कि अभी बताता हूँ। एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है जब आप ये खोलिएगा OBS स्टूडियो, फॉर्म खोलिएगा तो उसके बाद रिसोर्स खोलिएगा, तो एक बात आ सकता है कि फ्यूचर में मे बी यहाँ पे, जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पे अभी नहीं है, थोड़ी देर पहले था लेकिन अभी हट गया, ठीक है, अभी हट गया, देखें इतना जल्दी हट गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, OBS स्टूडियो प्लगइन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसमें से आपको लिस्ट में ढूंढना है OBS NDI, देखिए इसमें फर्स्ट में आ गया OBS NDI इंटीग्रेशन इनटू OBS स्टूडियो, इसी लिस्ट में से आपको ढूंढना है कि कहीं पे OBS NDI है या नहीं। पूरा लिस्ट का लिस्ट छान मान लीजिए, देखिए यहाँ पे है OBS NDI न्यूटेक NDI इंटीग्रेशन, तो इसी लिस्ट में ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर वहाँ पे सीधे ऊपर में ना मिले तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप कैसे भी, जैसे आप इस पेज पे आ चुके हैं OBS NDI 4.6.0 मेरे केस में है,
तो इसमें आपको बता रहा है ओनली फॉर दिस रिलीज विथ OBS 22 और एवप, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन और 22 और एवप पे ही काम करेगा, इसलिए आपको बता रहे हैं OBS आपका लेटेस्ट होना चाहिए, उसको अपडेट कीजिए नहीं है तो। विंडोज में करना आसान है, लिनक्स में करना थोड़ा मुश्किल है, कभी कभी एरर देता है उबंटू में, और मैक OS का हमको पता नहीं, कभी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए बताते हैं उसके बाद चेंजेस, सिंस इतना ये बताया है, उसके बाद इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद विंडोज़ का इंस्टॉल इंस्ट्रक्शन है कि आपको विंडोज़ इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है और साथ में एक NDI रन टाइम इंस्टॉल करना है, दो चीज़ इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपको उसके बाद ये दोनों फाइल कहाँ मिलेगा ये मैं बाद में बताऊँगा, आपको दो चीज़ इंस्टॉल करना है। और उसके बाद उबंटू या डेबियन पे आ जाते हैं, उसमें मैनुअल में दो पैकेज इसमें भी इंस्टॉल करना है, इसमें डाउनलोड लिव NDI 3 इसका ये पैक इंस्टॉल करना है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और एक ये वाला पैक उसी राइट साइड में है, ये वाला इंस्टॉल करना। आपको ये पैक कहाँ मिलेगा तो ये भी मैं बाद में बताऊँगा। उसके बाद नीचे आता है मैक OS टेस्टेड, और मैक OS में डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे ये डाउनलोड इट हियर पे क्लिक करना है, सिंपल है। मैक OS का मैक OS का सीधा लिंक दे दिया है, इसका दोनों का नहीं दिया। उसके बाद आपको इसके सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर देख लीजिए एसेट्स है, और एसेट्स में कुछ लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एसेट अगर ऐसे बंद है तो उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर देना है, और आपको अगर विंडोज है तो आपको दो चीज़ इंस्टॉल करना है, पहला ये OBS इंडिया विंडोज इंस्टॉलर याद है आपको, और दूसरा जो है आपको इंस्टॉल करना था क्या क्या रुक जाइए सोर्स कोड जिप विंडोज़ का डाउनलोड NDI रन टाइम, हाँ डाउनलोड NDI इंस्टॉलर तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन क्या कहते हैं रन टाइम इंस्टॉल करने के लिए ऊपर में ही लिंक दिया है, उस पर जाके आप आगे का प्रोसीजर अपना सकते हैं कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और उबंटू के लिए यानी कि डेबियन पैकेज डाउनलोड करने के लिए आपको दो पैकेज बोला था डाउनलोड करने का, तो दो पैकेज जो ये है एक लिव NDI 3.3 जो भी है ये फर्स्ट वाला देखिएगा .dev लिखा होना चाहिए, और ये इस नंबर पे एक ये वाला डेबियन, ये दोनों पैकेज आप इंस्टॉल कीजिएगा। और क्या कहते हैं अगर आपको उबंटू है तो, और उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट कीजिएगा, OBS में जाइएगा तो आपका जो है मिलेगा। और विंडोज़ में एक इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, और आपको डाउनलोड करना है NDI रन टाइम यहाँ पर जाके, ठीक है। और मैक OS का डाउनलोड हियर डायरेक्ट वहीं पे लिंक दिया हुआ है, तो ठीक है आपको मतलब इसके बाद जब इंस्टॉल कर लीजिएगा आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको OBS को मतलब आपके सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीस्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद आपका OBS खोलिएगा, मेरा OBS खुल रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके सबसे ऊपर में जो है यहाँ पे टूल्स में जाइएगा, वहाँ पे NDI आउटपुट सेटिंग होगा, ठीक है। वो आ जाए तो समझ लीजिएगा NDI काम कर गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और मैं आपको अगले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ कि NDI से क्या यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। वो हो सकता है आप वो वीडियो पहले देख लिए होंगे और उसके बाद आप इस वीडियो पे आए होंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि तो जो भी हो तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप अगर पिछले वाली वीडियो से इस वीडियो पे आए हैं तो आप चले जाइए पिछले वाले वीडियो पे, और नहीं तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में ठीक ही है, और आगे वाले वीडियो में चले जाइए, क्योंकि उस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा OBS NDI को यूज़ करके कैसे आप जो है सो अपने कैमरा को, अपने फ़ोन को कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, वो भी विदाउट लैग। जनरली ऐसा करने से लैग होता है, लेकिन उसमें विदाउट लैग आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।